सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान फिर से वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमदाबाद बजी पैरट्स में। दिल्ली में आए हैं। दिल्ली में आने के बाद मेट्रो वगैरह पकड़ के, ऑटो पकड़ के बड़ी मुश्किलों से एक हॉल है, अलंकार कम्युनिटी हॉल, जहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली बर्ड सोसाइटी की तरफ से सेमिनार रखा गया है बर्ड्स के लिए। तो जा रहे हैं अंदर, सेमिनार अटेंड करेंगे। इसी वीडियो में आपको सेमिनार के मेन पॉइंट्स, जो स्पीकर है उनकी कुछ बातचीत आपको देखने मिलेगी, और बाहर कुछ यहाँ पर स्पॉन्सर्स वगैरह है उनको भी दिखाएंगे। उसके बाद आप अंदर चलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करके देखिए, वीडियो पसंद आता है लास्ट में लाइक करना है। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर आरिफ भाई का, हमारे मतलब तिलावर भाई है सूरत से आए हुए, हाशम भाई हमारे उस्ताद, हमारे गाइड, और इसके अलावा अनीस भाई अल नूर पेट शॉप वाले, तो अनीस भाई भी यहाँ पर आए हुए। इनका भी ब्लॉग चैनल है, इनका भी मेन चैनल है, दोनों में आपको देखने मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं सेमिनार में क्या क्या हो रहा है। हमारा भी सेमिनार 19 मार्च को होने जा रहा है, तो आपको अपडेट रहना है। GPS गुजरात पेट सोसाइटी का सेमिनार 19 मार्च को है। डिटेल मेरी वीडियोज़ पर आपको मिलती रहेगी, सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, दिल्ली बर्ड सोसाइटी वेलकम्स यू, और अंदर जाते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब पूरा होने वाला है, और यहाँ पर सारे जो है स्पॉन्सर्स के, यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट पूरी, यहाँ पर जो साइन सबको एक एक काउंटर दिया गया है। सुधीर फिश, FKS पेट्स वगैरह, और यहाँ पर खुश पंडित एग्जॉटिक पेट्स, प्रनिधि वेटनरी डायग्नोस्टिक्स जो DNA करवाती है वो वाला है, और यहाँ पर आगे की साइड देखिए पेट्स लाइफ वाले हैं, कॉन्गो वाले हैं, और विंग स्टार वाले हैं, यहाँ पर सब लोग हैं। तो सब इस तरह से स्पॉन्सर्स को बाहर टेबल दिए गए अच्छी तरह से, सब अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लगा के डिस्प्ले कर रहे हैं। देख सकते हो वर्से लगा का भी यहाँ पर, सुप्रीम का भी है, रैप्टी बूस्ट का भी है, यहाँ पर निहाल पेट्स भी है, बढ़िया है, अच्छा लगा। चलिए अब सौरभ सर और संदीप सर आए हुए स्टेज पे, काफ़ी जानी मानी हस्ती है यहाँ की दिल्ली की। ये भी दोस्तों सांसद रह चुके हैं दिल्ली के, काफ़ी अच्छी हस्ती हैं ये, काफ़ी बड़ी हस्ती हैं। जैसे नदीपत ने कहा कि पहले तो आप सत्रह दिल्ली गहराइयों से गए थे, मैं आपको आनंद धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ बुलाया। मेरा PIA से बहुत पुराना सपना रहा है, लेकिन आज से दिल्ली पर सोसाइटी से जो एक नया संबंध बनता है, उसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली पर सोसाइटी के जितने पदाधिकारी हैं और गठन का विशेष जो मेन मेन जो आए हुए थे वो सब लोग जा रहे हैं। अभी दोस्तों शाहिद भाई आए हुए हैं, पेट लवर एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है वो अशोक प्रताप राय, जो PLA के हेड है, वो उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये अशोक प्रताप राय है PLA के हेड, इनकी स्पीच चालू हो रही है। एग्जॉटिक वर्ड के लिए
ये एक क्लिप दिखाई जा रही है जो हमारा संघर्ष रहा है पिछले 10 सालों में, वो सब कुछ बताया जा रहा है। 2008 में जो जंतर मंतर पे हमारा जो प्रोटेस्ट हुआ था, ये वहाँ से शुरुआत हुई थी। ये देख सकते हो अभी पीछे जो क्लिप चल रही है उसके अंदर सब हासम भाई देख सकते हो, हासम भाई को आप देख सकते हो क्लियर सामने के साइड में, जो पुतले वगैरह जलाए जा रहे थे कुछ। ये प्रोटेस्ट भारी भरकम प्रोटेस्ट हुआ था हमारा, सबसे भारी भरकम यही प्रोटेस्ट था। अशोक प्रताप राय सर जो है सब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बर्ड्स इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, 5 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री से, सबका घर चल रहा है इसके ऊपर। कोई बर्ड बेच के कमा रहा है, कोई बर्ड की एसेसरीज बेच के कमा रहा है, कोई बर्ड्स का फूड बेच के कमा रहा है, तो सबके दोस्तों रोज़गार बंद हो जाएंगे। पेट इंडस्ट्री को अगर किसी तरह का खतरा होता है, या जो पेट रूल्स जो है जो हाईकोर्ट ने जो बनाए थे 2018 में, तो इसके बारे में सब थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये लास्ट ईयर जो हुआ था 2022 में सेमिनार, उसके कुछ फोटो शेयर किए जा रहे हैं। ये दिल्ली बर्ड सोसाइटी की कोर कमेटी है, सबको सम्मानित किया जा रहा है, ग्रुप फोटो हो रहा है।
दीपू जी हमारे स्टार फार्म की तरफ से। स्टार फार्म की टीम It wouldn't have been possible to have this event in such a smart style. Firstly, if you look at the two beautiful ladies in the same sari, same attire, that means a lot of effort has gone. Even the scene and the husband is here, almost in the same color coordinated, almost in the same color coordinated. That also is taking credit, but the credit goes to Sangeeta ma'am who asking to wear the shirt. Anyway, here comes the most dynamic man, most humble person, when he is in good mood. So we request everybody to give him a big applause and tell him he has been successful in finding his team. He has been successful in finding team of PLA, 20 PS. So all my credit goes to Atul Khandwal that there has been no difference at all between team PLA and team DPS. जिसको कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, उस तहजीब से आने हुए यहाँ पे एक संगम, यहाँ पे एक संगम हुआ है, संगम मिला है जिसको बोलते हैं डीपीएस ऑफ पीएलए का, और ये आगे धूम मचाएगा जैसा कि नशियोरी प्रोग्राम है अहमदाबाद में। तो दोस्तों सेमिनार लगभग खत्म हो चुका है, हम जा रहे हैं, सर्टिफिकेट अवार्ड्स भी मिल गए हमें सर के साथ। वहाँ पर जो स्टेज पे हमने बातचीत की वो कैमरे में शूट नहीं हो पाया, तो सर को दोबारा हमने साइड में बुलाया हुआ है। गुजरात पेट सोसाइटी GPS जो हमारा ग्रुप है वो PLA के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। इस बारे में हमारी कल मीटिंग भी है सर के साथ में, सर कल मंडे को सर ने बुलाया हमको ऑफिस में। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया, बड़ा अच्छा लगा। आप सर कुछ कहेंगे? मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ अपने गुजरात के दोस्तों से कि अगर हमको तरक्की करना है, अगर हम ये जो अपना ट्रेडिशनल हॉबी है, ट्रेड है, इसको मानते हैं कि ये सही है, तो हमको सबको यूनाइट होना पड़ेगा एक अम्ब्रेला के नीचे। पेट लवर एसोसिएशन पिछले 18 साल से 20 साल से इसके ऊपर काम कर रहा है और हम सिर्फ लीगल काम करते हैं। आप लोगों से मेरा आह्वान है कि 19 तारीख को अहमदाबाद पहुँच के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके हमारे जो गुजरात बर्ड सोसाइटी के लोग हैं उनका हौसला बढ़ाएं, उनके साथ दें हर तरीके से, चाहे वो स्पॉन्सरशिप हो, चाहे वो दिल्ली से गुजरात अहमदाबाद जाना हो। 19 मार्च को आप लोग ज़रूर उपस्थित रहिएगा अपने धन मन बल से। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।